बिजनौर व आसपास के जनपद वासियों के लिए खुशखबरी, आपके जनपद में आ गए हैं डॉक्टर एच के, जो करते हैं हड्डी व नसों से संबंधित किसी भी बीमारी का पक्का इलाज। रविवार को नहीं लगता परामर्श शुल्क। मिलने का पता स्टेशन चौराहा चौधरी फर्नीचर के सामने, नजीबाबाद रोड, कीरतपुर। नमस्कार, डीबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहित कुमार। बिजनौर से बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर होगी प्रशासन की नजर। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। बिजनौर में दूसरे चरण में 14 फरवरी को मतदान होगा। जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, ऐसे में आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखी जाएगी। जिला प्रशासन विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध है। वहीं आपको यह भी बता दें कि जिलाधिकारी बिजनौर ने कहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। चुनाव के दौरान जिला प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं राजनीतिक स्वरूप के मैसेज भेजने वालों पर नजर रखी जाएगी। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक सामग्री डालकर आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई होगी। डीएम उमेश मिश्रा ने कहा कि सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि पर ऐसी कोई आपत्तिजनक सामग्री जिससे आचार संहिता का उल्लंघन हो, नहीं डाली जाएगी। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। कितने दिन की दवाई खाई आपने? तीसरी बार ले जा रही हूँ, दो बार खा कर मुझे बहुत सुकून मिला। अच्छा, जैसे पहले आप दवाई खा रहे थे, जब तक दवाई खाते थे आराम लगता था? इतना नहीं लगा था। अच्छा, थोड़ा लगा था। मेरा नाम नीलम मल्होत्रा है और मैं यहाँ देवबंद में रहती हूँ। और पिछले दो तीन साल से मैं अपनी घुटनों की और मेरे पैर में दर्द होता था, उसकी समस्या से बहुत परेशान थी। फिर मुझे किसी ने डॉक्टर एच के राजपूत जी का एड्रेस बताया। ये स्पाइन क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर के नाम से है, तो मैं वहाँ पे आई और उनकी मेडिसिन से मुझे काफी मुझे 90% आराम आया है और अभी मेरा इलाज चल रहा है। जो लोग अपने बिल्कुल बिस्तर पे बैठे हुए हैं, तो मैं तो यही कहती हूँ कि एक बार यहाँ आके जरूर दिखाएं।